दोस्तों दरअसल साल 1966 में या यूं कह लीजिए आज से 57 साल पहले आई फिल्म फूल और पत्थर से फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर्स धर्मेंद्र उस वक्त लड़कियों की पहली पसंद बन गए थे। हालांकि धर्मेंद्र का नाम लेते ही बॉलीवुड पर राज करने वाले एक खूबसूरत रोमांटिक नायक की तस्वीर जहन में उभर आती है। हालांकि कहा जाता है कि धर्मेंद्र फिल्म इंडस्ट्री के ऐसे हीरो थे जिनकी फोटो भी लड़कियां अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी। हालांकि यहां तक कि मशहूर एक्टर्स जया बच्चन उनकी खूबसूरती से प्रभावित होकर उन्हें ग्रीक गॉड का दर्जा दिया था। हालांकि धर्मेंद्र की खूबसूरती और आकर्षक व्यक्तित्व का ही असर रहा है कि ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर हेमा मालिनी उनकी पत्नी है। हालांकि वही एक्टर दिलीप कुमार ने धर्मेंद्र के बारे में यहाँ तक कह दिया था कि अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसा ही बनना चाहते हैं। हालांकि दिलीप साहब उन्हें ही मैन भी कहा करते थे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र को कौन सी एक्टर्स इतनी पसंद थी जिनकी फिल्में देखने के लिए मीलों पैदल चलकर थिएटर जाया करते थे। हालांकि नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है, चलिए आज हम बताते हैं कि आखिर धर्मेंद्र ने किस एक्टर्स की एक ही फिल्म करीब 40 बार देखी थी। दोस्तों दरअसल धर्मेंद्र उस वक्त बॉलीवुड के एक्टर्स के इतने दीवाने हो गए थे कि उनके एक झलक देखने के लिए उन्होंने मीलों लंबा रास्ता भी छोटा लगता था और वो उस रास्ते को पैदल ही तय कर लेते थे। जी हाँ, 40 से 50 के दशक में बॉलीवुड के खूबसूरत और मशहूर एक्टर्स सूर्या धर्मेंद्र को बहुत अच्छी लगती थी। हालांकि सूर्या हिंदी सिनेमा में बेहतरीन एक्टर्स होने के साथ साथ अच्छी सिंगर भी थी। हालांकि धर्मेंद्र की सूर्या के लिए दीवानगी इतनी थी कि साल 1949 में आई उनकी फिल्म दिल लगी को धर्मेंद्र ने करीब 40 बार देखा था। खैर धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में खुद का स्टार भी इतना बड़ा मान लिया था कि टॉप एक्टर्स भी उनकी फैन रही है। हालांकि 2012 में उन्होंने पद्मभूषण से नवाजा गया है। हालांकि 2011 में फिल्म यमला पगला दीवाना में धर्मेंद्र अपने दोनों बेटे के साथ नजर आए हैं। हालांकि उन्होंने 3 दशक तक फिल्म उद्योग पर राज किया है। हालांकि धर्मेंद्र का जलवा आज भी बरकरार है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।